नमस्कार, मैं नरेश रागानी, स्वागत करता हूँ आपका होराइजन न्यूज पर। आइए देखते हैं अजमेर शहर की बड़ी खबर। रामगंज पुलिस थाना क्षेत्र में एक दलित महिला ने लगाया दुराचार का आरोप। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। आरोपी ने महिला को लालच देकर किया था दुराचार। रामगंज पुलिस थाना क्षेत्र की रहने वाली एक दलित महिला ने ललित नाम के एक अंधेड़ पर उसके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को बताया कि अंधेड़ ने उसे मकान का लालच देकर कई बार दुराचार किया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ललित को गिरफ्तार कर लिया। दलित महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था और झाड़ू पोछा लगा दी है। ललित महाराज नाम का व्यक्ति है, उसने उसको लालच देके और उसके साथ बारी बारी से दुराचार किया। फिर उसके मकान पर भी आ गया, उसके मकान पर भी दुराचार किया। उसको मकान का लालच दिया था कि तेरे को मकान दे दूंगा, फिर उसका लालच पूरा नहीं हुआ, उसने मुकदमा दर्ज करा दिया। कौन से थाने का था? रामगंज थाने का मामला है। फिर कार्रवाई क्या रही सर? ललित महाराज को गिरफ्तार कर लिया है, आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। ठीक। डिग्गी बाजार में चोरों ने मचाया धमाल। सुबह 4 बजे बाद एक दुकान से उड़ाए 2 लाख रुपए नगद। कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। डिग्गी बाजार में सोमवार की सुबह 4 बजे के बाद चोरों ने एक दुकान में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 2 लाख रुपए की नगद राशि उड़ा दी। चोर दुकान में टंगी 3 कीमती जैकेट भी ले गए। क्षेत्र के चौकीदार की सूचना के बाद दुकान मालिक और पुलिस दोनों पहुंचे। चोरों ने सुबह 4 बजे के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की कोई भी वस्तु को हाथ नहीं लगाया। चोर शटर को ऊंचा करके दुकान में घुसे और गले में रखे 2 लाख रुपए कैश को लेकर चलते बने। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ? कैश रखी थी यहाँ पे, रात को ताले तोड़ के और कैश ले गए और 3 जैकेट। कहाँ पे दुकान है, किस नाम से? डिग्गी बाजार में दुकान है, श्रीनाथ फैशन के नाम से। उतार जैसे के क्या हुआ था रात को? बस रात को मैं दुकान बढ़ा के गया, उसके बाद सुबह 4:30 बजे फोन आया मेरे पास उसका, चौकीदार का। बोले भैया आपके ताले टूटे हुए पड़े, आए तो यहाँ देखा तो यहाँ कैश गुम थी और ताला टूटा हुआ था। शटर मुड़ा हुआ था। और क्या लेंगे? और 3 जैकेट्स ले गए और कुछ भी नहीं। वो कैश की भावना से आए थे? कौन है, कुछ नहीं, कुछ किसी पर कोई शक नहीं। पुलिस आई? पुलिस आई। किस पे आए? ना बताओ आप। ललित कुमार हो जाए। गंज पुलिस थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय महिला गिरकर हुई घायल। महिला ने लगाया आरोप, एक पुलिसकर्मी ने मारा था डंडा। परिजन पहुंचे पुलिस कप्तान के पास। गंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराते समय कोई पुलिसकर्मी डंडा मारकर चला गया। डंडा लगने के बाद महिला सड़क पर गिर गई। सड़क पर गिरने से उसके पैर की हड्डी टूट गई। महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला के परिजन ने गंज थाना पहुंचकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके बाद परिजन पुलिस कप्तान से मिलने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे। 17 तारीख को शाम को 5:45 के आसपास मेरे सिस्टर गंज थाने के सामने शिवजी मंदिर के पास पूजा करके घर की तरफ आ रही थी, तो रास्ते में एक पुलिस वाला मिला तो उसने उसके डंडा मारा। भीड़ भाड़ होगी मुझे तो पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी पुलिस वाले मुझे डंडा मारा जिससे वो गिर गई। वो उसके फ्रैक्चर हो गया टांगों में और हाथ में, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और मेरी सिस्टर बैरिक होंगी अलग है, वो 75 साल की अलग है, वो बोल भी नहीं सकती ना सुन सकती है, वो बड़ी मुश्किल हो गई। मतलब कोई केस अभी कोई केस करा नहीं, मतलब अब आज आज अर्जी देंगे। मतलब कौन से थाने का मामला? गंज थाने का मामला। क्या सीए साहब के पास गए थे? मतलब वहाँ थाने में शाम को हम रात को 11 बजे गए थे तो वो ऋषिपाल जी मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमें मतलब मोटरसाइकिल का नंबर लाओ तो हम सही तफ्तीश करेंगे, ऐसे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब इसलिए वो हमें रवाना कर दिया वापस। आज यहाँ पे क्या करने आए? तो यहाँ के हम एप्लीकेशन देने के लिए आए एसपी साहब के पास। कुछ बातचीत हुई? अभी एसपी साहब मिले नहीं है, नहीं एसपी साहब है नहीं। आपका नाम? सोनलाल बारूपाल, गंज अजमेर निवासी गंज। बिजली विभाग ने लगाया समस्या समाधान शिविर। हाथीबाटा पावर हाउस में एक साथ बैठे हर स्तर के अधिकारी, लोगों की समस्या को सूचीबद्ध करके किया समाधान। बिजली विभाग की ओर से लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। इसके तहत बिजली विभाग के बड़े से लेकर छोटे स्तर के अधिकारी एक साथ बैठे। अधिकारी ने लोगों की ओर से प्रस्तुत की गई शिकायतों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय में बिजली विभाग की ओर से कई स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के अच्छे परिणाम भी विभाग और उपभोक्ताओं को मिल रहे हैं। बेसिक रूप से जन सुनवाई हम इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि कुछ लोग हमारे जो नीचे के ऑफिसेज हैं उसमें उनके कार्य किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं और लोगों के मन में कि ये भाव रहता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म हमने दिया है कि वो आकर अपनी समस्या बताएं
और हम तुरंत प्रभाव से उसी समय से कंसर्न आदमी से बात करते हैं और बात कर कर और जो भी उनका वाजिब समाधान है वो समाधान यहाँ जन सुनवाई में ही करने की कोशिश करते हैं। इसका एक अच्छा परिणाम ये गया है कि जनता और हमारे बीच में जो एक कम्युनिकेशन गैप था वो एक तो दूर हुआ है और एक लोगों में एक विश्वास जागृत हुआ है कि हाँ जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट में हमारी सुनवाई हो रही है, उस न केवल सुनवाई हो रही है बल्कि सुनवाई करके उनकी समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। सरकार की मंशा भी यही है कि आम आदमी आम उपभोक्ता की बात को सुना जाए, उनकी समस्याओं का निदान हो और उसी के लिए ये निगम लेवल के ऊपर एक प्लेटफार्म तैयार किया गया है और इसी तरह हर सर्कल में भी हर सोमवार को 2 घंटे की जन सुनवाई रखी गई है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। काफ़ी हम 7 दिन के अंदर ज़्यादातर केसेस को निपटाने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट जन सुनवाई में पिछली जो जन सुनवाई है उसके क्या परिणाम रहे उसकी कुछ चुनिंदा उपभोक्ताओं से बात भी करते हैं और जिन उपभोक्ताओं की ग्रीवेंसेज यहाँ आती है उनसे ग्रीवेंस दूर कर कर और उनसे टेलीफोन से बात की जाती है भाई आपकी ग्रीवेंस दूर हुई या नहीं, जब वो कह देता है ग्रीवेंस दूर हो गई तब उसको हम क्लोज मानते हैं। तो एक बहुत अच्छा ये संदेश गया है हमारे उपभोक्ताओं के बीच में और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सर अभी तक किस तरह के केसेस आ रहे हैं अधिकतर? ज़्यादातर केसेस गलत बिलिंग के, कनेक्शन नहीं होने के या कनेक्शन गलत टेरिफ में होने के, लाइन शिफ्ट करने के, इस तरह के केसेज आ रहे हैं। तो लाइन शिफ्टिंग चूँकि यदि छोटा मोटा काम है तो हम 7 दिन में कर देते हैं, लेकिन जैसे कोई बड़ा काम है 33 kV लाइन की शिफ्टिंग है या कोई बड़े कई घरों के बीच में से लाइन शिफ्ट होना है तो उसमें क्या डिमांड नोटिस दिया जाता है, डिमांड नोटिस वाला वाली कार्रवाई 7 दिन में कर देते हैं और वो जमा जब भी जमा होगा तो उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई होती है। तो कुछ केसेज में टाइम लगता है लेकिन बाय एंड लार्ज जो मीटर के हैं जो बिलिंग के केसेज हैं वो हम 7 दिन के अंदर निपटा देते हैं। ईदगाह गली नंबर 2 के लोग पहुंचे PWD अधिकारियों के पास। सड़क नहीं बनने से लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। आसपास की गलियों की बन चुकी है सड़क। वार्ड नंबर 69 के वासिंदों ने PWD के अधिकारियों को ज्ञापन देकर ईदगाह क्षेत्र की गली नंबर 2 में सड़क निर्माण की मांग की है। PWD के काले पहुंचे लोगों ने बताया कि गली नंबर 2 के आसपास की गलियों में नई सड़क बनाई गई है जिससे गली नंबर 2 की सड़क पर आसपास की गलियों का पानी भरना शुरू हो गया है। इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद सहित विभिन्न विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सड़क निर्माण की मांग की है लेकिन उन्हें कहीं से भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। हम आए हैं वैशाली नगर ईदगाह से गली नंबर 2। हमारे यहाँ के सारे रोड बन गए हैं, हमारा ही एक रोड बाकी रह गया। वो 3 रोड जो बन चुके हैं उनका पूरा गंदगी हमारे घर के यहाँ पर आकर भेली हो रही है। सुबह शाम सुअर वहाँ पड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर से आते हैं, पूरा कीचड़ हमारे घर में आ रहा है। सारे रोड बन चुके हैं। हमारे वार्ड का पार्षद है वालिया जी, 69 नंबर वार्ड है। हमारा जो डिपार्टमेंट का काम दिया हुआ है PWD में जिनके हाथ में काम है वो गोरा जी है, सुभाष जी गोरा जी, उनको हमने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा हमारे बचेगा तो हम काम कराएंगे। हमने ठेकेदार से बात करी, ठेकेदार बोलता है कि हमारे को चाहे ठेकेदार बोले चाहे पार्षद बोले चाहे गोराजी बोले, बोला हमारे टेंडर में जितना काम था वो सारे हो चुका है। अब वो गली नहीं बनेगी तो या तो हम वो मकान खाली करके बाहर जाके किराए पर रहेंगे, यहीं आके धरना देंगे हम तो। हमने यहाँ पे जो अय्यन साहब हैं भार्गव जी उनसे हमने भी बात करी, उन्होंने कहा कि 900 मीटर कुछ है वो उनका बचेगा तो हम कराएंगे, नहीं तो 5% का हमारे को आश्वासन दिया है। हम प्रशासन से सबों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा भी रोड जो जरा सा ही बाकी है, सिर्फ 200 कुछ फीट रोड बाकी है। हम वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी से आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे, बाहर का रोड इतना गंदा है कि बच्चों को आने जाने में इतनी परेशानी होती है। गाड़ी भी हमारे घर के आगे तक नहीं आ सकती, वैन बाहर रोड पे आते हैं तो बच्चों को लाने ले जाने में हमें बहुत दिक्कत आती है। इतना गंदा रोड है कि आने जाने में सभी को परेशानी, बूढ़े बुजुर्ग को सबको गंदगी इतनी है। बीमारी इतनी फैल रही है, अभी डेंगू बीमारी इतनी तेज की फैली हुई है, ये इसी कारण से हो रही है कि गंदगी इतनी रही। बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, बीमार चल रहा है। आज यहाँ पे कैसे आए? आज हम अपने रोड के लिए आए। किनसे मुलाकात करी आपने? भार्गव जी से, दीपक भार्गव जी से हमने मुलाकात की है। उनने हमें आश्वासन भी दिया है कि 5% के उसमें आपका वो हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कब होगा। आपके ठेकेदार हो रहे क्या बोल रहे हैं? 4 महीना हो गया बोलते बोलते वो मना कर रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। हमारे अंडर में नहीं है क्या, जिससे हम नहीं करेंगे। यदि आपकी मांगी पूरी नहीं होती है या सड़क नहीं बनती फिर आप क्या करेंगे? हम यही रहेंगे, हम यही धरना देंगे, हम यही आके रहने लगे, यही आके धरना देंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आपका नाम? केंद्र के समान वेतन भत्तों की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी संयुक्त संघ के बैनर तले किया प्रदर्शन।
आर पार की लड़ाई की दी चेतावनी। केंद्र के समान वेतन भत्तों की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने कलेक्टर पर प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले किए गए प्रदर्शन में राज्य कर्मचारियों ने वसुंधरा सरकार पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की नीतियों के कारण राज्य कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य कर्मचारियों ने सरकार को आर पार की लड़ाई की चेतावनी भी दी है। राजस्थान सरकार की हठधर्मिता के विरोध में हमारे कर्मचारियों को जो सरकार ने वेतन आयोग का लाभ अक्टूबर 17 से दिया है, जबकि जनवरी 2016 से दिया जाना चाहिए था, तो सरकार ने इस कर्मचारियों के साथ में 1.5 साल से लगभग ये सरकार कर्मचारियों को धोखा देती आ रही है। इसके संबंध में आज मुख्यमंत्री महोदया और मुख्य सचिव महोदय को जिला कलेक्टर के मार्फत कर्मचारियों के गुस्से का इजहार करते हुए ज्ञापन दिया गया और ये मांग की गई है, अगर समय रहते कर्मचारी की मांगों पर सरकार फैसला नहीं देती है तो सरकार से राज्य कर्मचारी सड़कों पर निपटेगा। और आर पार की लड़ाई के लिए कर्मचारी ने कमर कर चुके हैं और सरकार को ये चेतावनी देते हैं, अगर सरकार कर्मचारियों को केंद्र के अनुरूप वेतन आयोग नहीं देती है और हमारी जो साथियों का वेतनमान जो 2400, 3600, 4800 के जो 2013 के बाद जो कटौती की गई है उस कटौती को सरकार बंद करे और हमारे अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को जो वेतन आयोग का लाभ केंद्र के अनुरूप जो दिया जाना चाहिए वेतन भत्तों का लाभ केंद्र के अनुरूप दिया जाए, अन्यथा कर्मचारी सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। बद्री प्रसाद शर्मा, जिलाध्यक्ष, जिला संयोजक, संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति, अजमेर। शिक्षक संघ ने चलाया मांगों के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान। शिक्षक संघ राधाकृष्णन के अभियान से जुड़े शिक्षक 4 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है आंदोलन। शिक्षक संघ राधाकृष्णन शिक्षिका सेना द्वारा 7वें वेतन आयोग को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। राधाकृष्णन द्वारा चलाए गए अभियान के प्रति बड़ी संख्या में शिक्षकों ने समर्थन दिया। शिक्षकों ने वॉलपेपर पर हस्ताक्षर कर 22 महीने का एरियर एक साथ देने सहित कई अन्य मांगों को लेकर अपना समर्थन जताया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन और राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के संयुक्त तत्वावधान में आज जिले की तहसील स्तर और जिला मुख्यालयों पर हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर के, जिनमें 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग को लागू करके 21 माह का एरिया नगद भुगतान किया जाए। दूसरी मांग है हमारी जो कि पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। तीसरी मांग है हमारी जो प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों को समायोजित करके शिक्षक बनाया गया था उन्हें वापस पुनः वही ग्रेड शिक्षकों की ग्रेड पर दी जाए और कटौती बंद की जाए। और चौथी मांग जो महत्वपूर्ण मांग है सभी शिक्षकों को बीएलओ कार्य से मुक्त किया जाए। इस अभियान को लेकर के हमने आज ये हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है और आज शाम को 5 बजे कलेक्टर पर हम कलेक्टर के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। महेंद्र सिंह बुंदेल, जिला अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन। रेलवे रनिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन, विभिन्न मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन। रेलवे स्टेशन में रनिंग स्टाफ ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे। रेलवे के रनिंग स्टाफ ने रेलवे स्टेशन पर बड़ा प्रदर्शन किया। रनिंग स्टाफ द्वारा लंबे समय से कई मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इनमें रनिंग स्टाफ के भत्ते, किट सहित अन्य मांगे हैं। कई बार आंदोलन की चेतावनी देने के बाद भी रेलवे मंत्रालय द्वारा रनिंग स्टाफ की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसी के चलते ऑल इंडिया रेलवे रनिंग स्टाफ के आह्वान पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया गया। आज 20/11/2017 को ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की CWC की मीटिंग जो कि विजयवाड़ा में 1 और 2 नवंबर की थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि हमारी जो किलोमीटर की रेट आज तक डिसाइड नहीं हुई है। 1.5 साल हो चुके हैं जब 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है, लेकिन आज भी रेलवे ड्राइवर जो है वो किलोमीटर की रेट नहीं दर्शे नहीं पा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नया चीज नहीं है और हमारी संस्था में इसके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और हम इस मोर्चे को आगे बढ़ाते हुए आज 20/11/2017 को पूरे भारतीय रेल की 16.5 जो उनके 67 डिवीजन की सारी क्रू लॉबी पर ये प्रदर्शन आज ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले किया जा रहा है, जो कि आज सफल रहा है और हम आशा करते हैं कि रेलवे को ये चुनौती दी जाएगी और रेलवे हमें भाग सुनेगी। हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो RSE 1980 से हमारे किलोमीटर रेट डिसाइड हो और किलोमीटर रेट जल्दी से जल्दी वापस करने मिले। दूसरा, जो ALB को टूल किट दिया जा रहा है वो टूल किट तुरंत से तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और ये काला देश रद्द होना चाहिए, उनको हम इसके खिलाफ आंदोलन जिस भी गति से तेज करना होगा उस गति से तेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उसके पूर्ण जिम्मेदार रेल प्रशासन होगा। किस तरीके से आप विरोध? हमारी विरोध आज ये बिल्ले पहनकर, जो हमने आज ये बैच पहने हुए ये बैच पहनकर और हमारे नारेबाजी करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये हमारा विरोध दर्ज करा रहे हैं रेलवे स्टेशन। फिल्म निर्माता लीला भंसाली के खिलाफ शिवसेना ने खुला मोर्चा। फिल्म पद्मावती पर रोक की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की फिल्म को पाबंद करने की मांग।
फिल्म निर्माता लीला भंसाली की आने वाली फिल्म पद्मावती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। सोमवार को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने लीला भंसाली का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शित किया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिल्म पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने फिल्म के प्रसारण होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज दिनांक 20 को सोमवार को आज हमने भंसाली का पुतला जलाया और जिस तरह से ये पिक्चर बनाई गई ये एक समाज और एक धर्म के लिए बहुत ठोस बड़ी बात है कि अगर आप किसी की धर्म की किसी पुर्तगाल की बात है अगर आप अब सामने लेकर के आते हो तो ये सही नहीं है। आज हमने कलेक्टर साहब के यहाँ पे ज्ञापन दिया है और उनका पुतला जलाया है और ये बताया जाया गया है कि हमारे हिंदू धर्म कोई घेल नहीं जो मनचाहा भंसाली जैसे आए पिक्चर बना करके चले गए। मैं सबसे नरेंद्र मोदी साहब से ये अनुरोध करता हूँ कि इन जैसे गद्दारों को देश से बाहर निकाला जाए और ऐसा कोई पिक्चर अगली बार रिलीज ना हो या किसी भी तरह से सामने ना आए। भंसाली को देशद्रोही घोषित किया जाए। प्रशांत टाक, शिवसेना हिंदुस्तान, जिला संयोजक। राज्य के सैटेलाइट अस्पताल के संविदा नर्सिंग कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। वसुंधरा सरकार के खिलाफ लगाए नारे, कहा नियमित नहीं किया तो करेंगे बड़ा आंदोलन। राज्य के सैटेलाइट अस्पताल में संविदा पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन कर्मियों का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले चुनाव के दौरान संविदा पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों से उन्हें नियमित करने की वादा किया था लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। नर्सिंग कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए उन्हें नियमित करने के लिए आदेश जारी नहीं किए तो नर्सिंग कर्मी बड़ा आंदोलन करेंगे। राजस्थान संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में लगभग 461 संविदा नर्सेज कार्यरत है जो पिछले 2 नवंबर से काली पट्टी बांधकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे थे और सरकार से हमारा सिर्फ एक ही मांग है नियमितीकरण उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं देने से हमने इसके आंदोलन के अगले चरणों में 2 घंटे गेट मीटिंग और विरोध प्रदर्शन किया था राज्य के महिला चिकित्सालय और जलन चिकित्सालय में और आज दिनांक 20 नवंबर को राज्य के सैटेलाइट चिकित्सालय में 2 घंटे गेट मीटिंग करके विरोध दर्शाया है। सिर्फ एक ही हमारी मांग है नियमितीकरण की मांग जो सरकार जिस पर सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है कोई ध्यान नहीं दे रही है इससे सभी नर्से समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है और सरकार से हमारी नाराजगी है। अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है नियमितीकरण की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है तो हम सभी नर्से साथी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी चिकित्सा प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा, राजस्थान नर्स एसोसिएशन, जिला शाखा अजमेर। आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के संघ सहलगन चिकित्सालय सेटेलाइट चिकित्सालय में विरोध प्रदर्शन 9 से 11 बजे तक किया गया जिसमें यूटीबी और सुविधा पर जो भी जितने भी कर्मचारी नर्सिंग स्टाफ अन्य स्टाफ लगाओ उनको नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य भर में आंदोलन चल रहा। इसके तहत आज इसी कड़ी में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया और सरकार से एक विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द यूटीबी कर्मचारी और ठेका प्रथा बंद की जाए अन्यथा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हर उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे हम। खेमराज चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजस्थान नर्सेज यूनियन। अतीक अहमद खान बने वफ कमेटी अजमेर के सदर, 4 उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी हुई घोषणा, सभी पदाधिकारियों का हुआ स्वागत। वफ बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष ने अजमेर वफ बोर्ड की कार्यकारिणी की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अतीक अहमद खान को अजमेर वफ बोर्ड का प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी में 4 उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के अन्य सदस्य भी बनाए गए। कार्यकारिणी की घोषणा के बाद सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री वसुंधरा राजे जी का, उसके बाद में अशोक फडणवीस जी का और वक्फ बोर्ड चेयरमैन श्री अमान अबू बकर नकवी जी का जिन्होंने मुझे अजमेर जिले का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आज़ादी के बाद जो ये पहली बार टीम गठित गई है इसमें समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होंगे और सभी कार्यकर्ताओं का अच्छा मान सम्मान से जोड़ा जाएगा और जितने भी वक्फ बोर्ड के यहाँ पे कब्जे हैं विवाद हैं वो सरकार की देखरेख में माननीय जो मंत्री महोदय हैं अबू बकर नकवी जी के उनके मार्गदर्शन में सुलझाएंगे। उसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर बीपी सारस्वत जी का, हमारे शहर के अध्यक्ष श्री अरविंद यादव जी का और प्रदेश महामंत्री मुंशी अली खान और जिला अध्यक्ष मुस्तफा जी का जिनकी मेहनत और बागडोर सुझाव और जिनके आदर्श जिनसे मुझे सीखने को और जिनके अंडर में मुझे ये कार्य मिला मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए?
बिल्कुल जो मुझे जिम्मेदारी मिली है ये भारतीय जनता पार्टी बैनर तले मिली है, लेकिन इसमें जो भी समुदाय के जितने भी हित के कार्य हो सकते हैं, सरकार के जो भी मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से हम बिल्कुल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका नाम? अतीक अहमद खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन, अजमेर जिला। आज राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अबू बकर नकवी जी ने अजमेर ज़िले की वक्फ कमेटी की घोषणा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अतीक अहमद खान को सदर की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा चार उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष के साथ साथ 10 अन्य सदस्य भी इस वक्फ बोर्ड की कमेटी में बनाए गए हैं। पहली बार अजमेर ज़िले की ये वक्फ कमेटी बनाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की, आदरणीय अशोक जी परनामी जी को, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय अबू बकर नकवी जी को, जिन्होंने वक्फ कमेटियों की घोषणा की है। निश्चित रूप से यहाँ पर जिला वक्फ कमेटी बनने के बाद ज़िले में जो वक्फ की जायदादें हैं जिन पर अनाधिकृत अतिक्रमण हो रखे हैं, या किराया वगैरह, या ऐसी बेशकीमती जायदादें जिनसे सरकार को आय होती है, उन जायदादों का अनुपयोगी तरीके से या गलत तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, उन पर कब्जे हो रहे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वक्फ संपत्तियों का लाभ प्रदेश की सरकार को और राजस्थान वक्फ बोर्ड को मिले, इसके लिए हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मुंशीफ अली खान, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, राजस्थान। श्री सत्य साई का 92वां जन्म दिवस मनाया गया। श्री सत्य साई समिति ने कई कार्यक्रम के साथ मनाया जन्म दिवस, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। श्री सत्य साई का 92वां जन्म दिवस मनाया गया, ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्री सत्य साई समिति के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लोगों ने श्री सत्य साई का जाप कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। श्री सत्य साई बाबा का 92 ईयर्स बर्थडे सेलिब्रेशन श्री सत्य साई सेवा समिति अजमेर में मनाया जा रहा है। सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण वेदा चैंटिंग के साथ में 1.25 लाख ओम श्री साई राम का जाप चल रहा है। दिन में 1:30 बजे महाप्रसादी होगी और 23 नवंबर को भगवान का ग्रैंड सेलिब्रेशन इसी स्थान पर मनाया जाएगा। सुबह 5:30 बजे प्रभात फेरी, दिन में नारायण सेवा और शाम को 6:30 से 8:30 बजे तक श्री सत्य साई बाबा का 92वां जन्मोत्सव पर श्री सत्य साई सेवा समिति अजमेर से मनाया जाएगा। मैं सुरेश चंद्र ओझा, जिलाध्यक्ष श्री सत्य साई सेवा समिति अजमेर से। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें फायदा.com सच के साथ।